जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है नेशनल कोपरा कैडेट यूट्यूब चैनल में। नेक्स्ट सीरीज आपकी आ रही है, वही आपका आईटीबीपी का भी चल रहा है। आपका आईटीबीपी भी फायर मोड में है, तो मैं भी फायर मोड में आ गया हूँ। आईटीबीपी के से रिलेटेड जो भी जितना भी है पूरा बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में आपको थर्ड बटालियन जो बरेली का है आईटीबीपी का, उसके बारे में बुखारा में जो है उसका मैं आपको जा रहा हूँ बताने के लिए। मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जिन्हें मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको वहाँ का थोड़ा पता चल सके कैसा है वहाँ का नज़ारा, देखने उखने में कैसा लग रहा है। आप भी थोड़ा पहले से जान लीजिए कि जाने के बाद नया नया न लगे आपको, ऐसा घबराने की जरूरत ना हो, पूरा एकदम अपना अपना सा लगे। इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ और आपको कुछ क्लिप वहां का दिखा दे रहा हूँ। अंदर का तो बहुत दिखाऊंगा नहीं, कुछ ही दिखाऊंगा वहां पे, ताकि आपको थोड़ा बहुत वहां का पता चल सके कि कैसा सेंटर है, क्या है वहां पे। देखिए आईटीबीपी कॉम्पिटेंट मिनिस्ट्रियल का सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ, 22 तारीख से 22 मार्च से आपका स्टार्ट हो गया है। तब वहां पे कैंडिडेट लोग जा रहे हैं, तो वहां से पूरा रिपोर्ट मिल रहा है कैसे कैसे क्या हो रहा है। सिर्फ वहीं के नहीं, जो देहरादून का है वहां का भी पता चल रहा है, कानपुर में वहां का भी, हरियाणा का है तो वहां का भी, बिहार में है, सभी जगह से लगभग कैंडिडेट बता रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है और सभी जगह बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस हो रहा है। तो अभी मैं थर्ड बटालियन आईटीबीपी बुखारा जो है कि आपका बरेली में वहां का बता रहा, तो वहां पे आपका कैसे क्या प्रोसीजर हो रहा है कि आपको सुबह लाइन लगाना है। तो अच्छा आपको वीडियो दिखा दूं, चलिए थोड़ा सा बोल के फिर मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। तो चलिए मैं आपको वीडियो दिखा दे रहा हूं, पहले आपको मेन गेट का दिखा दे रहा हूं जो कि आपका 30-20 सेकंड का है। तो यहां पे आप देखिए, ये जो है मेन गेट है आपका, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल लिखा हुआ है, गाड़ी आ रही है और यहाँ पे देखिए यह आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं और यहाँ पे कैंडिडेट अपना लेकर के जा रहे हैं। या जो है कैंडिडेट ना क्वालिफाई हो गए हैं, क्वालिफाई होने के बाद का यह दृश्य है आपका लगभग 12 बजे का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। तो अब इस क्लिप के बाद आपको मैं नेक्स्ट क्लिप दिखा रहा हूँ किस चीज का, अब वहीं का अंदर का अभी थोड़ा सा बात कर ले रहा हूँ आपसे। तो आपका अंदर क्या हुआ, हो रहा है क्या हो? अच्छा चलिए आपको मैं पहले क्लिप पर दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद ये देखिए, ये आपकी जो स्क्रीन पे क्लिप चल रही है ना, ये जो है कि ये जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए हैं, क्वालिफाई होने के बाद आकर के बैठे हैं, तब मोबाइल मिली है। क्वालिफाई होने के बाद जब मोबाइल मिली है, आपका मोबाइल पहले ही जमा हो जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बगल में ये जो है पूरा वहीं का थर्ड बटालियन का आईटीबीपी का ग्राउंड है। यहाँ पे ये देखिए बिल्डिंग है, यहाँ पे देखिए जो जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए, ये देखिए फोन से बात कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए इतने सारे लोग ये क्वालिफाई होकर के हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग करके और अपना हाइट चेस्ट वेस्ट में सब क्वालिफाई होकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आप आ जाइए हमारे तरफ। अब तो ऐसे ही है, तो सबसे पहले आपको क्या हो रहा है, सुबह जाना है, सुबह रिपोर्टिंग का टाइम आपका 6 बजे का है, 6 बजे आप जाइए रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि वहां पे आपको अंदर ले जाएंगे, तीन चीज आपका लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन वाला वीडियो आप देख लीजिए, तीनों चीज डॉक्यूमेंट निकलवाएंगे, जाएंगे कपड़ा वपड़ा निकलवाएंगे आपसे, आपका सब सामान रखवा रखवाएंगे, फिर बैग आपका जमा होगा, फिर आप उसके बाद जाएंगे अपना प्रोसीजर वोसीजर करेंगे। पहले आपका रनिंग होगा 7.5 मिनट में, चेस्ट वेस्ट पहना दिया जाएगा, फिर फोटो वोटो होगा, फिंगर उंगर साथ में होगा, ये सब प्रोसेस होने के बाद आपको चिप उप मिल जाएगा, RFID वाला जो होता है, रजिस्टर रजिस्टर हो जाएंगे, फिर लाइन में ले जाया जाएगा 25-25 लोगों को, 50 लोगों का एक ग्रुप बनता है, उसी में आपका कार्यवाही पूरी होती है, ठीक है। फिर आपका वहीं से क्या होता है, रनिंग होता है, कितना 7.5 मिनट में, 7 मिनट 30 सेकेंड का टाइम मिलता है, जिसमें भी अगर 50 लोग जा रहे हैं तो 2-3 लोग अनक्वालिफाइड बाहर हो जा रहे हैं टाइम ज्यादा लगने की वजह से। उसके बाद आपको वही जाना है हाई जंप के लिए, 3.5 फुट का हाई जंप है, करके जाइएगा, मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि एनिमल ट्रांसपोर्ट और ये जो और वाली भर्तियां चल रही जिसमें हाइट का रिक्वायरमेंट था 170 सेंटीमीटर, इसमें तो 165 सेंटीमीटर है उस मिनिमम, और अलग कास्ट वाले लोगों के लिए जो कास्ट है हिल एरिया से जो भी रिलैक्सेशन मिल रहा है वो अलग से है, ठीक है। तो 165 वाले हाइट कम रहेगा तो थोड़ा सा आपको इफेक्ट पड़ेगा किसमें, हाई जंप में, तो आप उसका देख लीजिए, उसका इफेक्ट फिर लॉन्ग जंप में भी पड़ेगा, तो अपना अच्छे तरीके से तैयारी करके जाइएगा। और वहाँ पर जाने का आईटीबीपी आपका जो थर्ड बटालियन है बरेली जंक्शन पर उतरोगे, बरेली जंक्शन से क्या है कि आपको 40 रुपये लगेंगे, 40 रुपये 7 से 8 किलोमीटर है, हाँ चार्ज ज़्यादा है, इतना लेंगे। अब आपको क्या करना है, जाना है वहाँ पे अपना फिजिकल दीजिए, लगभग आप लास्ट जो बैच है निकला है 4-5 बजे के शाम के करीब निकला है जो लेट गया है, आपका एंट्री लगभग 11 बजे तक है। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है, वहाँ पर शॉप है, वहाँ से भी एडमिट कार्ड निकल जा रहा है, लेकिन आप अपना खुद का एडमिट कार्ड प्रिंट व्रिंट करके घर से एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सब लेते जाइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बाकी मैं इस वीडियो को आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। सो फॉर जय हिंद।